नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक अभिनव नवाचार आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित हिमाचल प्रदेश राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूं। इस गतिविधि का नाम है छात्र बने शिक्षक। छात्र बने शिक्षक गतिविधि को प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर के कक्षाओं में क्रियान्वित किया जा सकता है। गतिविधि निर्माण के लिए सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों को कुछ दिशा निर्देश देंगे। दिशा निर्देश के रूप में शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि प्रत्येक सप्ताह के एक दिवस छात्र शिक्षक के द्वारा पूर्व से जो भी पाठ छात्रों को पढ़ाया गया है उसमें से जो छात्र अपनी रुचि के अनुरूप जिन विषयों को चयन करेंगे और उन विषयों की पूर्व में उनको तैयारी करनी होगी। तैयारी करके उनको क्लासरूम में आकर अपने साथियों को उस पाठ को पढ़ाना होगा। जब शिक्षक छात्रों की रुचि के हिसाब से जो भी पाठ पूर्व में पढ़ाया जा चुका है उसको बांट देंगे और छात्र उसकी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद छात्रों को क्लासरूम के अंदर पढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। इस पठन पाठन के दौरान शिक्षक भी छात्र के साथ क्लासरूम में मौजूद रहेंगे। जब छात्र अपने साथियों को पढ़ा रहा होगा तो वह इस बात का भी ध्यान देगा कि उसके पढ़ाने का तरीका उस शिक्षक के तरीके से मिलता जुलता होना चाहिए, जिसमें उसके हाव भाव, उसके द्वारा बोले गए शब्दावलियां या जो भी आंगिक संप्रेषण का शिक्षक इस्तेमाल करता है पढ़ाने के दौरान, वह अभिनय के रूप में उसको भी प्रस्तुत करे। इस गतिविधि के दौरान जहां शिक्षक क्लासरूम में मौजूद होकर इन सभी चीजों को नोट करेगा, वह कुछ चीजें अवलोकन भी करेगा, जैसे कि उसके हाव भाव का जो अभिनय छात्र कर रहा है वो क्या सही है या नहीं, क्या उसका आगे भी शिक्षक को अनुपालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ पाठ को पढ़ाने के दौरान छात्र से कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं हो रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको उस समय उसको सहयोग भी करना होगा, उसकी सहायता भी करनी होगी। साथ ही साथ क्या बाकी छात्र अपने साथी के द्वारा पढ़ाए गए विषय को आसानी से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ जा रहे हैं तो उस हिसाब से एक अलग उसकी स्ट्रेटजी होगी, नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए अलग से वो प्लानिंग करेगा, और जब वह अगली बार जब खुद पढ़ाने आएगा तो इस प्रकार के सभी छात्रों की सूची तैयार करेगा कि उनका अधिगम स्तर क्या है, किस प्रकार से वो बातों को समझ सकते हैं। तो इस सभी प्रकार की प्रक्रिया से जहां एक तरफ छात्रों को अवसर मिलेगा कि वह अपने अन्य साथियों को पढ़ाकर अपने आत्मकौशल को विकसित करें, अपने आत्मविश्वास को विकसित करें, उनका पुनराभ्यास हो, साथ ही साथ अन्य छात्रों के अंदर भी प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी और इस तरीके से सभी पाठों का पुनराभ्यास भी हो जाएगा और छात्र कहीं ना कहीं शिक्षक के रूप में जब पढ़ाएंगे तो उनको पाठ की समझ और बेहतर होगी। तो इस पूरी गतिविधि के द्वारा पठन पाठन का माहौल तैयार होगा। शिक्षक भी कहीं न कहीं बहुत जो छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको भी ऑब्जर्व कर पाएंगे और साथ ही साथ उनको ये पता चलेगा कि उनके क्लासरूम के अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं किस स्तर की हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये नवाचार बहुत पसंद आया हो और आप इसे अपने कक्षा और विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके बीच लाते रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा ZIIEI का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।